हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम इस ग्रंथ से पढ़ रहे हैं मना शिक्षा, उल्टा आ रहा होगा इसमें मना शिक्षा। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है। एक्चुअली पॉइंट्स रोशन आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। पॉइंट्स नोट करिए कि जी प्लीज। किस मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट एनालिसिस करेंगे तो बुक्स के विषय में। अभी मेरा प्लान ये है कि आने वाले कुछ समय में मैं कुछ कुछ बुक्स के ऊपर ही सेमिनार दूंगा, जैसे मना शिक्षा, हरिनाम चिंतामणि, माधुर्य कादम्बनी, इस तरीके से भक्तिनाथ ठाकुर के जो विभिन्न गीत मतलब पुस्तकें, शरणागति, गीतावली, कल्याण कल्पतरु इत्यादि। तो इस तरीके से हम अलग अलग बुक्स के ऊपर सेमिनार करेंगे। तो बुक्स के ऊपर सेमिनार करने का जो एक कारण है वो ये है कि आप लोगों को इंस्पायर किया जाए बुक्स पढ़ने के लिए, है ना। अब आप बोलेंगे श्रवण करने और बुक पढ़ने में दोनों में क्या इफेक्टिव है? दोनों ही इफेक्टिव है। श्रवण करने में तो सभी शास्त्रों में कहा गया है श्रवण करना चाहिए। यस्याम वैश्वर्यमाणानाम कृष्णम परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। अभी जस्ट मेरे पास एससी मेडिकल से कुछ गेस्ट आए थे मिलने के लिए, तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई थर्ड ईयर में कोई पास आउट हो गया है। लेकिन मैं देखता हूँ अच्छे पढ़ने वाले और टॉपर्स, लेकिन जितना अच्छा पढ़ते जितना टॉप करते उनको फियर फैक्टर उतना सताता है। फेलियर का फियर, सफल ना होने का फियर, या उनकी एक्सपेक्ट। तो इस श्लोक में कहा गया कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, यस्य मैं सूर्य माणा नाम कृष्णम परम पुरुष है, तो परम पुरुष कृष्ण के विषय में कोई अगर सुनता है तो भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, तो हृदय जीव के हृदय में भक्ति जागृत होती है और शोका मोह भयापह, तो तीन चीज खत्म हो जाती है। आपहा मतलब चली जाती है, भाग जाती है। उत्काल शोक लेमेंटेशन, वर्तमान का इल्यूजन मोह, और भविष्य श्रवण की महिमा की। भगवान गीता के सातवें अध्याय में कह रहे हैं, सातवें अध्याय के पहला नंबर श्लोक में कह रहे हैं तत्क्षिणु, सुनो मुझसे सुनो, असंशम समग्रम यथा ज्ञायते तत्क्षिणु। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुनने के विषय में तो हमारा जो साधना भक्ति है उसमें बहुत सिंपल नियम है, केवल 16 माला का जप करना है और नियमित रूप से श्रवण करना है और अध्ययन करना है, इतना ही है भक्ति का। इतना ही कोई व्यक्ति अगर रेगुलेटेड कर ले तो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ स्मूथली चलेगी। एक्चुअली आप लोग को भूल जाना चाहिए कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक आपको कोई और काम है, वो का मतलब आपके दिन में केवल 22 घंटे हैं। आप सब जो करना है 22 घंटे में, तो 2 घंटा केवल आपकी वो साधना भक्ति के लिए है, 2 से 2.5 घंटा 16 माला का जप, 3 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा लगता है 16 माला का जप करने में, और 1 घंटे में आधा घंटा श्रवण करो आधा घंटा अध्ययन करो, बस इतना अगर कर सकते हैं। इतना इतना भी नहीं कर सकते तो स्पिरिचुअल लाइफ हो ही नहीं सकती, फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जो भी है तो सुनना महत्वपूर्ण है, सुनने का डेली डोज लेना चाहिए, लेकिन साथ में अध्ययन भी करना चाहिए। अध्ययन करने के कई कारण है। एक कारण तो यह जो मैंने अनुभव किया है, हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं जैसे सल्फर को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर उसको और जब ऑक्सीजन देंगे तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब पानी के साथ में संस्पर्श में लाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये गैस को पानी के संस्पर्श में लाने के लिए सिलेंड्रिकल फिल्टर्स होते हैं, वो कुछ फैब्रिक्स होते हैं उसको एब्जॉर्बर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पानी फ्लो करेगा और गैस के साथ संस्पर्श में आएगा तो नीचे से सल्फ्यूरिक एसिड हमको मिल जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए एक एक एलोंगेटेड सरफेस एरिया चाहिए होता है और एक कुछ समय चाहिए होता है।
ऐसा नहीं है कि केवल गैस के संस्पर्श में तुरंत पानी आया और तुरंत रिएक्शन कर जाए, ऐसा नहीं होता। इट नीड्स सम टाइम एंड सम सरफेस एरिया चाहिए होता है, कुछ समय चाहिए होता है। तो फिर जितना समय तक वो कांटेक्ट में रहता है गैस और पानी, तो उतने देर उतना ज्यादा अच्छी तरीके से रिएक्शन होता है, और फिर जो एंड प्रोडक्ट होता है वो काफी मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है। तो उसी प्रकार से हमारे कॉन्शियसनेस के साथ जब हम श्रवण करते हैं, तो देखिए श्रवण करने में सुनना और मतलब जो हम कान से सुन रहे हैं और जो शब्द ध्वनि है वो संस्पर्श में आ रही है। लेकिन देखिए शब्द ध्वनि कान से संस्पर्श में बहुत कम समय के लिए आती है सुनने के समय, लेकिन पढ़ने के समय क्या होता है, वो एक एक सेंटेंस को बारंबार बारंबार पढ़ते पढ़ते जाते हैं, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो इन वर्ड्स के साथ में, इस मैसेज के साथ में बहुत ज्यादा देर संस्पर्श में रहता है। तो क्या होता है, श्रवण करने के बाद में आपको केवल काम खत्म नहीं हो गया, श्रवणम मननम निधि अध्यासनम, सुनना पड़ता है उसके बाद मनन कंटेम्पलेट करना पड़ता है, और फिर कैसे उसको अप्लाई करेंगे जीवन में उसको प्लान करना पड़ता है। लेकिन रीडिंग करने का फायदा क्या है कि पढ़ने के साथ साथ मनन शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज को लिखा है आप उसको पढ़ने का प्रयास पढ़ते हैं, साथ साथ में आपका माइंड कंटेम्परेशन शुरू करता है उसके ऊपर, और साथ साथ आप प्लान बनाने लग जाते हैं कि मुझे इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो रीडिंग की अपनी एक यूनिक पोजिशन है, यूनिक एक स्थान है, तो आप रीडिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है, कोई भी चीज को हमने सुना उसके बाद उसकी पुष्टिकरण के लिए, उसके और सॉलिडिफिकेशन के लिए हमको उसको पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने भागवतम का कोई एपिसोड सुना, जैसे आज हमारे मंदिर में चर्चा हो रही थी रुक्मिणी के फर्स्ट लव लेटर की, किस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण को लव लेटर भेजा, तो हम सुन के आए, तो सुनने के आने के बाद तुरंत इच्छा होती है अरे कौन सा लव लेटर भेजा, थोड़ा सा सुने इसको पढ़े, तो लव लेटर पढ़ने की इच्छा होती है। अच्छा क्लास में तो एक दो श्लोक चर्चा हुई, लेकिन आपकी फिर पढ़ते समय इच्छा होगी मैं पूरा एपिसोड पढ़ूं। तो अध्ययन के अपने कई बेनिफिट्स हैं, तो अध्ययन को आप, बुक रीडिंग को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अगर आपको स्पिरिचुअली सिचुएटेड होना है सही प्लेटफॉर्म पर और अपनी सोबेरिटी को बढ़ाना है। तो दूसरा, जो हम सेमिनार करेंगे कोई भी बुक्स के ऊपर, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा फर्स्ट जो फोकस होना चाहिए शिल प्रपात की बुक्स होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अन्य अन्य आचार्यों ने भी, हमारे पूर्वती आचार्य विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की सृष्टि करी है, ग्रंथों को लिखा है जिसको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये प्रभुपाद जी का आदेश है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, भागवतम को बहुत ध्यान से पढ़े, बारंबार पढ़े, जब समय मिले तब थोड़ा मोबाइल में खोल के कोई भी एपिसोड पढ़ लीजिए श्रीमद भागवतम का। कोई आज मैं गया था, चश्मा मेरा टूट गया था, चश्मा बनवाने के लिए गया था, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट गया था, तुरंत हमने भगवद गीता का 16 चैप्टर निकाला, जस्ट हमने ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करके 20 श्लोक के मात्र 16 अध्याय में तो हम पढ़ लिया। तो उसके बाद में तो हमको 15-20 मिनट का समय मिला, चलो हमने कहा उसको पढ़ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। तो मुझे कुछ वर्ड्स मैंने कई बार सुने थे लेकिन उसका मीनिंग मैं हमेशा भूल जाता था, जैसे फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड शब्द का अर्थ लिख भगवद गीता के 16वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में प्रभुपाद जी लिखे, तो मेरे को पता नहीं था उसका अर्थ। उसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर पेनफुल सिचुएशन को करेजियसली और पेशेंटली डील करे उसको कहते हैं फोर्टिट्यूड। जैसे उसका उदाहरण है, दैट लेडी डेल्ट विद हर डिजीज विद फोर्टिट्यूड, इस तरीके से मतलब पेनफुल सिचुएशन को कोई व्यक्ति अगर करेज के साथ और पेशेंस के साथ में हैंडल करे। फिर एक वर्ड हमने पढ़ा, ये सब 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ये था, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, दैवी गुण, उसमें एक वर्ड लिखा था प्रभुपाद ने फोर्टिट्यूड, एक वर्ड लिखा था फ्रीडम फ्रॉम कोवेटसनेस, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा अभी तक, वो कोई बोलेगा उसको आप में से, कोवेटसनेस, तो उसका अर्थ उसको पढ़ा, तो उसका अर्थ होता है धन, दूसरे के धन को मतलब हड़पने की जो लालसा, लोलुपस्य, धन धन लोलुपस्य। तो ये एक दो वर्ड पढ़े तो तुरंत एनरिच फील हुआ, अरे मेरे को इतने दिन से मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ और इन वर्ड्स का मेरे को मीनिंग नहीं पता। एक और वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक और वर्ड हमने पढ़ा तुरंत कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है पढ़ने पढ़ते समय, तो तुरंत व्यक्ति एनरिच फील करता है। तो पढ़ाई को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हमारे लिए स्टडी डिपार्टमेंट में मॉडेस्टी फॉर्टिट्यूड, उसके बाद में नहीं बाकी सब तो वर्ड्स आप लोग सुने हुए, यही दो नए वर्ड मैं सीखा आज। एनीवे
तो इस तरीके से बुक रीडिंग कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, और प्राइमरी फोकस इज ऑन श्रील प्रभुपाद बुक्स, तो हमको जब भी समय मिले जस्ट बुक उठा करके उसको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सालों से कभी प्रभुपाद जी किताब उठाई ही नहीं है, इतना बिजी नहीं हो जाना चाहिए हमको। और अगर बिजी, अगर नेचुरल इंक्लिनेशन स्पॉन्टेनिटी नहीं है, रस नहीं है अगर पढ़ने के प्रति, तो पान फोर्सफुली फिर या तो टाइम सेट कर लीजिए मुझे पढ़ना है इतने समय। कल मैं थोड़ा सा डिप्रेस था, काइंड ऑफ मैंने मैसेज डाला, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मैं देख रहा हूँ कि प्रीचिंग हम कर रहे हैं लेकिन वी आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स, मतलब नो बडी इज टेकिंग इट सीरियसली, ना तो कोई व्यक्ति सीरियसली ले रहा है स्पिरिचुअल लाइफ को, ना ही कोई व्यक्ति कुछ वॉलेंटरली हेल्प कर रहा है इस तरीके से, तो काफी डिस्करेज फील होता है। तो आज सुबह सुबह मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर चलाया ये हमारे इस यंत्र में, तो पहला वर्ड जो प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद ने बोला यू आर प्रीचिंग सुबह उठते ही। आज मेरी सेवा थी सुबह 3 बजे, मुझे ऑल्टर में जाना था तो मैं 2:30 बजे के आसपास उठा, सुबह उठते ही तुरंत प्रभुपाद जी का पहला वर्ड था, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हूसोएवर प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णा बिकम वेरी प्लीज्ड, वी शुड नॉट गेट डिस्करेज व्हेन देयर आर नो रिजल्ट्स। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिकॉज पीपल इन जनरल आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वॉट एवर लिटल वी कैन डू इन फॉर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णा विल अप्रिशिएट इट, मतलब इन वॉट एवर कैपेसिटी वी कैन डू, वॉट एवर हमारे जो भी क्षमता है उसके अनुसार हम करेंगे तो कृष्ण उसको अप्रिशिएट करते हैं, कृष्ण उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए कि माई गुरु महाराज वेन ही सीज दैट एनी ब्रह्मचारी सेलिंग 1 or 2 pieces ऑफ मैगजीन्स, जो मैगजीन वो छापा करते थे नदिया में जा करके, तो कोई एक मैगजीन या दो मैगजीन भी बेच करके आता था, डिस्ट्रीब्यूट करके आता था, तो प्रभुपाद जी बहुत, मतलब उनके गुरु महाराज बहुत खुश होते थे भक्ति सिद्धारण ठाकुर प्रभुपाद, और बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो बोले हाउ एवर लिटिल है ना, वी शुड ट्राई टू प्रीच, दिस विल प्लीज कृष्णा। तो मैं कल दिन भर जो सोच रहा था वो सुबह सुबह मैंने कहा वाह देखो प्रभुपाद, मतलब सुबह सुबह आपको आंसर दे दिए कि जो भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमको प्रयास करना चाहिए इस तरीके से। दूसरा अभी जस्ट मैं ये क्या कहते हैं, एक एक जो मैं बता रहा था, कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स आए थे, कुछ लोग कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ लोग का पढ़ाई हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ का पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया, अभी कॉलेज शुरू नहीं हुआ है। तो एक डिवोटी, वो डॉक्टर डिवोटी हुआ, अपोलो में प्रैक्टिस शुरू किए हैं, तो एक जूनियर को लेकर के आए थे, एक एक 3 लोग थे वो अलग अलग SCVC तीनों, तो जूनियर जो था वो टॉपर है क्लास में, लेकिन ही वाज फीलिंग्स काइंड ऑफ डिस्ट्रेस या एंजाइटी फियर अनसीन फियर काइंड ऑफ, तो मैं उसको जस्ट बता रहा था, थोड़ा सा एनकरेज करने की कोशिश कर रहा था, और उसी के जस्ट कुछ समय पहले मेरे मन में एक बात चल रही थी, कभी कभी क्या होता है जैसे मतलब आप सब कुछ खो दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए आपको, है ना। कई बार क्या होता है कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसमें हमको फेलियर का सामना करना पड़ता है, या हम हार जाते हैं, हम या हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और हमको लोग बहुत कुछ कमेंट करते हैं, या लोग हमको फिर हमारे हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लोग आवाज उठाते हैं कि अरे पहले वाला प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया, अब ये क्या, इसका क्या होगा, आप सोच समझ के नहीं करते हैं, ये कई चीज इस तरीके से आपको बोली जाती है। तो देखिए सब कुछ खो दे जीवन में लेकिन अपना कॉन्फिडेंस अपना उत्साह हमें नहीं खोना चाहिए, तो एट द एंड हमको सोचना चाहिए कि देखिए मतलब कि हम कृष्ण के दास हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, ना ही भगवान ने हमको इंटेलिजेंस की कमी दी है, ना ही भगवान ने हमको धन की कमी दी है, ना ही भगवान ने हमको हेल्प की कमी दी है, जो हमको चाहिए कृष्ण भेजेंगे। इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियस देन विल ऑलवेज रिमेन इन दैट कॉन्शियसनेस दैट कृष्णा विल सेंड ऑल सपोर्ट दैट इज रिक्वायर्ड, तो व्हाई व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बीइंग इन एंजाइटी, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बीइंग इन फियर। तो इस तरीके से ग्राफ चलता है, कभी कभी बहुत हाई रहता है, आप बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, कभी लो आता है, तो जैसे लो आता है फिर अपने मन को संभालना चाहिए, उत्साह देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सिटिंग डाउन, चलते रहिए जो होगा। जैसे आज हमारे क्लास में है ना, हमारे सो कॉल्ड काउंसलिंग लिस्ट में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, लेकिन आने वाले क्लास में आने वाले 4 आदमी है टोटल, तो काफी डिस्करेजिंग है।
लेकिन फिर भी हमको दूसरों को फिर से बार बार बोलना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, आओ आओ आओ। देखो एक एक ऐसे हिंदी में कहावत है, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जो रस्सी होती है जब आप देखेंगे वो कुएं के ऊपर से ऐसे आती जाती रहती है, तो वो पत्थर पे भी निशान कर देती है। इस तरीके से जो पानी टप 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 गिरता रहता है, तो उसके टप टप गिरने से पत्थर के ऊपर भी निशान कर देता है। तो अभी हमको इस तरह कल्चर करना पड़ेगा, सोलह माला सोलह माला सोलह माला सोलह माला, तो अब जा करके लोग सोलह माला करेंगे। तो इस तरह नहीं बोलने से वो ढीले पड़ जाएंगे। तो आप लोग से भी मैं बारम्बार बोलूंगा बारम्बार बोलूंगा, और आप भी आगे बारम्बार बोलते जाइए। इसी तरीके से हमको स्प्रेड करना है। एनीवे तो मैं बोल रहा था कि बुक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरा, हमारी सोवरिटी केवल सुनने से नहीं आएगी। उसका कारण जानते हैं, आजकल क्या होता है, एक एक कल्चर होता है, व्यक्ति केवल उसी को सुनना चाहता है जिससे उसको कुछ रस मिलता है, जहाँ कुछ मजेदार बात होती है, कुछ चटका मसाला मिलता है, तो फिर हम उतना ही सुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन हम इस मतलब नहीं लेना चाहते हैं। एक्चुअली जो लोग बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका एक कॉमन कॉमन ये है कि वो लोग सुनना चाहते हैं लेकिन बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनको सुनने में मजा लगता है। हमारे यहाँ एक भक्त इधर पे उन कोई भी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद उनका फीडबैक आया, प्रभु अच्छी क्लास, मजा आ गया, किसी दिन कोई कम सुनाई है तो प्रभु आज उतना मजा नहीं आया। तो मैं एक्चुअली वो पॉइंट आउट कर दिया, मैंने कहा ये क्या है, मतलब फिलोसफी नहीं सुननी है लेकिन वो कुछ अच्छी स्टोरी सुनाई, मजेदार मजेदार चटक बटक कुछ मसाला दिया, तो उसको बड़ा उनको बड़ा मजा आया। मैं कहा नहीं, ये दिस इज नॉट दिस विल दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस स्पिरिचुअली एट द एंड ना, हमको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए ये काम नहीं देगा। तो सेम चीज है, सुनने में मजा लगता है, चटक मटक कुछ मसाला मिल जाता है, लेकिन पढ़ने में बोरिंग लगता है, क्योंकि पढ़ना ज्यादा फोकस मांगता है, पढ़ना ज्यादा आपके माइंड के कंट्रोल को मांगता है, पढ़ना चाहता है मतलब अब आपको फोकस देना है। सुनना भी फोकस मांगता है लेकिन पढ़ना फिर भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, बुक रीडिंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, हजारों हजारों हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं, है ना। अगर आज पढ़ना शुरू करेंगे तो जीवन में कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस शुरू करें, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है, भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, उसके बाद में पूर्ववर्ती आचार्यों की कॉमेंट्रीज हैं उसको पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ने में रुचि है, और मैं किस में मुझे क्या रुचि नहीं है वो है पीपीटी बनाने में। तो मैंने अभी क्या किया, कुछ पीपीटी बनाना शुरू किया इस मना शिक्षा का, तो 2-3 दिन बनाई और उसके बाद में हार के बैठ गया। मैंने कहा मेरे ये थोड़ा बोरिंग है मेरे लिए, पीपीटी बनाना उसको असेंबल करना लगे वो ज्यादा, उससे मुझे लगता है उससे ज्यादा पढ़ाई कर लो। रसानंद का अच्छा एक रुचि है पीपीटी बनाने में, अच्छा सबका अपना हॉबी होता है। जैसे मेरे को पोस्टर बनाने में हॉबी है, मैं पोस्टर बनाता रहता हूँ, पीपीटी बनाना थोड़ा सा मेरे लिए हैवी टास्क है। तो जो भी है, लेकिन मैं अलग अलग बुक्स पढ़ सकता हूँ, उस बुक्स में क्या लिखा हुआ है आप लोग को अवगत करा सकता हूँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ। और इस तरह के हमारे गुरु महाराज बोलते थे, मैं जो सेमिनार दूंगा आपको, तो सेमिनार तो ऐसा नहीं कि 3-4 दिन के सेमिनार में हम कोई बुक कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन आपको जनरल जानकारी लग जाएगी उस बुक में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको एक उत्साह मिले उस बुक को पढ़ने के लिए, ताकि आप घर जाएं उस बुक को पढ़ें, आप अपना अपने आप को एनरिच करें, और कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाता है तो फिर नेचुरल से इंटरेस्ट भी आ जाता है। जैसे कोई श्रीमद भागवतम के बीच कोई कॉन्सेप्ट कोई टॉपिक को आपने सुन लिया, तो सुनने के बाद जब आप घर जाके बुक खोल के पढ़ेंगे तो आपको काफी रुचि लगेगी पढ़ने के लिए। जैसे मैं आज एग्जाम्पल दिया, जो रुक्मिणी का जो फर्स्ट लव लेटर, हाईली फिलोसफिकल है वो, आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसा मत सोचिए कि उसमें कोई जोक मारा है रुक्मिणी ने, लेकिन उसको सुनने के बाद में जाकर पढ़ने की इच्छा होती है। विशेष रूप से श्रीमद भागवतम का एक सेक्शन होता है जहाँ पे प्रेयर्स होती है, तो श्रीमद भागवतम का जो सेक्शन जिसमें प्रेयर्स होती है, तो वो प्रेयर वाला सेक्शन क्या होता है, काफी मतलब बोरिंग जैसा लगता है लोगों को। प्रभु जी, मैक्सिमम जगह पे वो प्रेयर्स है, मतलब श्रीमद लेकिन आप भागवत यही तो आश्चर्य की जगह बात है, श्रीमद पे। भागवतम इज नन अदर देन प्रेयर, इट्स अ प्रेयर बुक। वहां प्रभु पे जी, मैं केवल चैतन्य चरितमृत में आज मैं जो है वो क्या,
रुझिया चैतन्य चरितमृत में एक चैप्टर पढ़ रहा था, तो उसमें फर्स्ट 3-4 श्लोकों में ईच श्लोक में चैतन्य महाप्रबोधन नित्यानंद प्रबोधन गदाधर सबको प्रेयर लिखे हैं कृष्ण ने कविराज गोस्वामी जी, हाँ लेकिन मैं उसे स्किप करके डायरेक्ट गया स्टोरी। हाँ नहीं तो वही तो रस है एक्चुअली। देखिए प्रेयर्स को पढ़ना, उसको रिसाइट करना, ये तो पढ़ना पड़ेगा ना एट द एंड, पढ़ना और उसको रिसाइट करना, इसका जो मजा है वही तो मतलब हमको सीखना है। उसे हल मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुना था कि भागवतम सुनने के लिए नहीं, आस्वादन करने के लिए, टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करना मतलब उसमें हम केवल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, दो चार कुछ स्टोरी प्राप्त करना चाहते हैं। एक्चुअली टेस्ट करने का अर्थ होता है, आस्वादन करना मतलब उसको समय देना पड़ता है, उसको उसको गाओ, उसको उसको सुनो, उसको गाओ। और वही तो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का सार तो वही है, उसी के लिए तो भक्ति मतलब क्या है, श्रीमद् भागवतम को रिलीज करना प्रभु जी, तो मेन लेकिन चीज। प्रभु हाँ प्रेयर्स को हम लोग प्रभु प्रेयर्स को हम लोग सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाते। मतलब प्रभुपा जी जैसे लिखे हैं तो उसी मतलब वो उसका ट्रांसलेशन डिकोड तो हम करने का पढ़ लेते स्टाइल हैं। है, उसको कहते हैं, मैं बताऊंगा, मैंने एक कोई भी चीज को संस्कृत के श्लोकों को डिकोड करने का एक 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 तरीका होता है, उसको अनवय कहते हैं। अनवय मतलब अनवय कहते हैं कि उसमें क्या होता है, मैं एक्चुअली वो वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, अनन्वय। एनीवे मैं फिर से चेक करूंगा, मैं भी सीख रहा हूँ एक्चुअली, लर्निंग स्टेज है। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन मुझे कैसा पसंद है, मतलब मैं जो सीख रहा हूँ मैं शेयर करूँ, ना कि मैं प्रचारक की तरह बैठ करके कथा बाचू एक्सपर्ट बन के, तो वो मुझे पसंद नहीं है। जितना सीख रहे उतना, मतलब मैं ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ ये वर्ड मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, तो मैं देख के फिर से बताऊंगा। और क्या कर सकते हैं। तो हम सीख रहे ना। हाँ मेरे को एक्चुअली देखिए भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव की जो बुक्स है वो जो कोर्सेज हैं वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगता है, मतलब तो जरूरी है करना पर तो थोड़ा ड्राई लगता है। वो उन बुक्स को मैं खुद की रुचि से पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो क्लास से कोई बताएगा उसको पढ़ने के लिए थोड़ा मेरे लिए मेहनत है। एनीवे मैं खुद ही पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ गलतियां हो रही है। लेकिन जैसे अनन्वय क्या होता है, अनवय अनन्वय अनन्वय कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस एनालिसिस कोई भी श्लोक को आप तोड़ तोड़ के समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, मतिर्न कृपालता सतोवा मिथो अभिपद्यत गृहव्रता नाम, तो मतिर्न कृष्ण, कृष्ण मति नहीं लगती है, परतः दूसरे कहने पर सत्वा खुद के प्रयास से मिथो दोनों के समृद्ध प्रयास से, क्यों हाँ? क्यों नहीं मति लगती है, गृहव्रता नाम, गृह व्रत लिया हुआ है, कंफर्ट जोन में रहने का व्रत लिया हुआ है। उससे क्या होता है, अदांत गोभीर विशितम तमिश्रम, जो हमारी इंद्रियां हैं वो अदांत है और वो अंधकार में जगत में प्रवेश करती जा रही है। क्यों अंधकार में जगत में प्रवेश कर रही है, पुनः पुनः चर्विता चर्वणानु, क्यों वही चबाई हुई चीज को चबाना चाहती है। इस तरीके से चबाई हुई चीज को चबाते चबाते वो घोर अंधकार में प्रवेश कर रही है। इसलिए इस कारण से कृष्ण मति नहीं लगती, कि इंद्रिया तो वहां लगी हुई है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती, वही चबाई हुई चीज को चबाना चाहती है, इसमें मन नहीं लग रहा है। तो ये क्या हुआ श्लोक में, आप उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग को तोड़ तोड़ करके जी समझ गए। तो प्रभु, इस मतलब तरीके से जैसे हाँ तो जैसे हम पढ़ते हैं तो इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिखा गया है, तो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते चले गए तो फिर नहीं, प्रभु जी ऐसा मतलब नहीं वो होगा। टेस्ट नहीं अभी ले पे ध्यान पाएंगे। रखिए, प्रार्थनाओं को तो हर प्रार्थना को जितना डिकोड करोगे आप संस्कृत को तोड़ तोड़ के बोल बोल के संधि विच्छेद कर करके उसको समझ के, यानी अगर आप प्रार्थना को गा पाओगे तो डिकोड भी कर पाओगे, और डिकोड जब करोगे तो आपको इतना रिलिश लगेगा कि आपको बाकी सब चीजें फीकी लग जाएगी और प्रार्थना इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन हम क्या है, यस केवल प्रभु, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं तो बोरिंग और महा बोरिंग और अति बोरिंग और मतलब बोरिंग बोर बोरतर बोरतम लगता चला जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री में। तो एक्चुअली ये आपने जो बीच में क्लास दिए थे प्रभु जी प्रहलाद महाराज के जो प्रेयर्स के ऊपर और जितने प्रेयर्स के ऊपर, वो कुंती महारानी के प्रेयर्स के ऊपर, वो अच्छा लग रहा था प्रभु वो क्लास। मतलब हाँ हाँ एक्चुअली मतलब वही इंटरेस्टिंग है, परंतु मेरे को भी क्लास देने की इच्छा होती है, लेकिन मैं तो देखता कोई इंटरेस्टेड आदमी आता ही नहीं है, तो पता नहीं क्लास देने कुछ लोग
इंटरेस्ट दिखाएं। मैं जाता हूँ आजकल देशों में, दो चार प्रश्न ही होते गिनती के हमारे। कैसे हो, पढ़ाई चल रही है, प्रसाद ठीक से ले रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं? चार क्वेश्चन पूछते हैं और चैंटिंग हो रही है, अधिक से अधिक पांचवा क्वेश्चन। मतलब तो जमाना हो गया कि किसी बेस में गया हूँ, कोई गीता ला के आया, प्रभु जी थोड़े श्लोक का अर्थ समझाइए, थोड़ा ये मीनिंग बताइए, ये तो जमाना हो गया है। तो अधिक से अधिक ये चर्चा होती है, कॉम्पिटेटिव वालों को प्रीचिंग करने में समस्या है, उनको सही नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा कॉलेज प्रीचिंग थोड़ा सा वापस से अपना वो रुख बदल दूंगा। उस दिन मैं गया एक कॉलेज में, उत्कल यूनिवर्सिटी में हम लोग क्लास थी, एक बच्चा क्वेश्चन पूछा, बोले कि आपने कहा कि ज्ञान सूर्यदेव ने भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया और यही ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, तो अर्जुन को दिया तो समझ आता है क्यों दिया, सूर्यदेव को क्यों दिया? अर्जुन को दिया, अर्जुन बिबिल्डर हो गया था युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, अपने परिजनों को देख करके, तो उसको ज्ञान की जरूरत थी, सूर्यदेव को क्यों दिया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे ध्यान है कि ये क्वेश्चन परम पूज्य भक्तचारू महाराज से किसी व्यक्ति ने कभी पूछा था, तो मैं उस समय वहां था सौभाग्यवश, तो मैंने इसका आंसर सुना हुआ है। इसका आंसर ये है कि सूर्यदेव को इसलिए दिया क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव ये दो क्षत्रिय परिवारों के उद्गम है, सोमवंश और सूर्यवंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश, और क्षत्रिय होते एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, तो उनको तो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तो भगवान ने इसलिए सूर्यदेव को ज्ञान दिया ताकि उनके पास एक ज्ञान रहे, और उनकी परंपरा में सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इच्छवाकु को दिया, इस तरह परंपरा में ज्ञान आ रहा था, एवं परंपरा एवं राज ऋषियों भी, राज ऋषियों के बीच में ज्ञान आ रहा था, क्योंकि राज ऋषियों को इस ज्ञान की आवश्यकता थी मैनेजमेंट करने के लिए, ये सामान्य लोग के लिए ज्ञान नहीं था, तो इसलिए भगवान ने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया। तो ये हमने परम पूज्य भक्तेश्वर महाराज से सुना हुआ था। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा क्लास में कि मुझे सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम ब्रजा की पहला लाइन तो समझ आ गया, दूसरा लाइन समझ नहीं आया, हम त्वम पर सर्वपापी, ऐसा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो बताना मेरा फेवरेट, ये तो फेवरेट टॉपिक है, तो फिर एक घंटा मैंने उसके आंसर देते रह गया, क्योंकि एक क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। तो जो भी है, तो आजकल बेसों में मुझे जाते नहीं वो जाते वाला क्या क्वेश्चन, है? प्रभु जी वो वाला क्वेश्चन जो जो मैंने वो प्रभु जी पूछा था, आपने जस्ट जस्ट आंसर बता दिया था, लेकिन उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते तो अच्छा लगता प्रभु जी, कि कौन सा विराट युद्ध क्वेश्चन? में अर्जुन बिबिल्डर क्यों नहीं हुए। प्रभु जी विराट के हाँ युद्ध में अर्जुन बिबिल्डर क्यों नहीं हुए और मैंने आंसर महाभारत दे में दिया, बिबिल्डर क्यों मैंने हुए। आंसर दे दिया है, आंसर दे दिया है, विराट युद्ध में, जी क्योंकि प्रभु, कृष्ण ने अर्जुन बिबिल्डर नहीं किया, अर्जुन बिबिल्डर होने वाले आदमी नहीं है, अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, नित्य पार्षद है, लेकिन महाभारत के युद्ध में स्पेशली कृष्ण ने अर्जुन को बिबिल्डर किया, उंगली दिखा के, अर्जुन देख लो ये जो उंगली दिखाने में बिल्डर हो गए, ये यस प्लान था प्रभु, कृष्ण का, अर्जुन भी यस बिल्डर प्रभु, नहीं हुए, अर्जुन तो दूसरे में केस में बिल्डर नहीं होते कृष्ण अगर नहीं करते, तो कृष्ण ने भी बिल्डर किया ताकि भगवत गीता का उपदेश दे सके। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आजकल इस तरह बहुत, कहीं कोई कहीं पे भी आप जाओ तो मतलब इस तरह कोई पूछ नहीं रहा है, कोई प्रेजेंट कोई मतलब लेके नहीं आ रहा भगवत गीता की, प्रभु जी ये समझाइए, कोई भागवतम से ये समझाइए, वो डिस्कशन का जो मेन चीज है वो तो खत्म होती जा रही है आजकल। डिस्कशन आप लोगों के साथ डिस्कशन भी कुछ खास नहीं था, रसराज को पकड़ते डिस्कशन शुरू होता है, बस लाओ पैसा लाओ, ये सिस्टम चला। कल मैं उसको फोन लगाया, हमको 20-30 हज़ार रुपये का जुगाड़ करो, अभी ये मैं बात होते ही मतलब केवल उसके साथ तो मैनेजमेंट लक्ष्मी की बात होती है, और कोई बात ही नहीं होती है। तो कम से कम कोई एक प्लेटफॉर्म तो हो जहाँ कृष्ण का तो चर्चा हो। एनीवे टॉपिक पे आते हैं, मैं बता रहा था कि मैं अभी इस तरीके से अलग अलग बुक्स के ऊपर, जैसे मना शिक्षा, हरिनाम चिंतामणि, माधुर्य कादम्बनी, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं विभिन्न प्रकार के, जिसके ऊपर भक्तिनाथ ठाकुर के विभिन्न लिखे हुए गीत, गीत का संचय है, विभिन्न प्रकार के अष्टकम, कल हमने वृंदावन अष्टकम विश्वनाथ चक्र ठाकुर कृत उसके ऊपर चर्चा करी थी बेस में। तो इस तरीके से मैं अलग अलग कुछ कुछ लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, बीच बीच में भागवतम के टॉपिक्स है ना, तो क्योंकि इससे उत्साह बना रहता है पढ़ने के लिए। आप देखिए जब दो चार आप जैसे मान लीजिए अमरेंद्र द्रोही की क्लास अटेंड करिए आप, जैसे उन्होंने बहुत सारे श्लोक कोट किए अलग अलग शास्त्रों से, तुरंत इच्छा होती है अरे मैं भी शास्त्र पढ़ूं, ये संगात संजायते कामा। तो हमारा जो फुलसम पर्पस है वो ये है इन मीटिंग्स के थ्रू कि हम अलग अलग शास्त्र पढ़ने में हमारा थोड़ा उत्साह है, रुचि आए। और मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे आजकल कहाँ है अभिषेक, पता नहीं कहाँ है, कोई समय नहीं है, उसके बाद घर में खाली बैठा है लेकिन क्लास में नहीं आ पा रहा है। रंजीत कहाँ है, समय शाम हो गया 7 बजे के, नहीं आ सकते क्लास में सैटरडे शाम को, इस तरह मैनेज नहीं करेंगे टाइम को।
मैं देख रहा हूँ कोई भी इतना रुचि नहीं है। सौरभ कहाँ गया वो वाला, दोनों ही सौरभ नहीं दिख रहे। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली शाम का समय, एक हफ्ते में एक दिन हम क्लास में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब भी अगर नहीं आ पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो जो भी है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा लिखा है, तो इसका संक्षेप में मैं इतिहास आपको बता देता हूं। ये मना शिक्षा में 12 श्लोक हैं, 11 मन को इंस्ट्रक्शन है और 12वां इसका श्रुति फल है। सुनने से इसको क्या लाभ है, सुन पढ़ने से क्या लाभ है, ऐसे कल के श्रुति फल। तो 12 श्लोकों में ये मना शिक्षा लिखी गई है। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में तो आप जानते ही हैं, चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद थे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसा कहा गया था कि इनके घर छोड़ करके जब ये आए थे जगन्नाथपुरी, कितनी बार इन्होंने घर छोड़ने का प्रयास किया लेकिन बारंबार इनके पिताजी पकड़ लेते थे इनको। और इनकी माँ कहती थी कि इसको लोहे की चेनों से बांध दो, तो इनके पिताजी ने कहा था कि जिस बोल रहे कि जिसको जिस इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी स्त्री नहीं बांध पाई तो लोहे की चेने क्या बांधेगी। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल हो गया है, इसको कुछ नहीं हो सकता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग करके जगन्नाथपुरी आए और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के अंडर में छोड़ दिया। तो स्वरूप दामोदर जी के इंस्ट्रक्शंस पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस बुक को कंपाइल किया है, मना शिक्षा, मन इंस्ट्रक्शन टू द माइंड, स्प्लेंडेड इंस्ट्रक्शन टू द माइंड, मन के प्रति इंस्ट्रक्शन, मन को इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो ये जो बुक है ये केवल आध्यात्मिक जीवन में, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं मन के प्रति, मन को दिए गए, ये केवल आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। एक होता है सिनफुल लाइफ, उससे एक आता है नॉर्मल एक फेज पायस लाइफ, उस लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है, उसके ऊपर उठता है भक्ति, भक्ति से भी ऊपर में फिर भक्ति भी विभिन्न स्तर पे होती है। भक्ति होती है भगवान की, वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की भक्ति, जिसका लक्ष्य है आप अधिक से अधिक वैकुंठ लोकों में जाएंगे। लेकिन भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जो इंटीमेसी भगवान के साथ, भगवान के साथ में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है रागानुगा स्तर पर कृष्ण के साथ, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन जैसा ब्रजवासियों का होता है, वो है हमारा गोल। आपको ध्यान होगा बृहद भागवतामृतम में हमने पढ़ा था किस प्रकार से गोप कुमार वैकुंठ जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं था और ऊपर जाना चाहता था, कहाँ, कृष्ण के पास, गोलोक में कृष्ण के साथ ऐसे प्रोक्रेशन करना चाहता। तो ये जो इंस्ट्रक्ट, ये जो मना शिक्षा है, ये उस गोल को अचीव करने हेतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने कंपाइल किया है। तो भगवान कृष्ण क्यों आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में? तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि पूरे जगत में मुझे सभी लोग वैदिक भक्ति से पूछते हैं, वैदिक भक्ति से पूछते हैं अर्थात सब शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन, शास्त्रों की मर्यादा को मानते हुए, शास्त्र के बंधन को बांध में बंधे हुए सब मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया इसलिए करते हैं, भक्ति भी करते हैं तो शास्त्रों के बॉन्डेज में, स्पॉन्टेनिटी नहीं है। तो अगर इस तरीके से वो मेरी भक्ति करेंगे तो अधिक से अधिक वैकुंठ में जाएंगे मेरे साथ, वो जो ब्रजवासियों जैसे प्रेम का दान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसे प्रयास करना चाहिए, इस तरह कुछ एनेबल करना चाहिए जीवों को कि वो कि जिस प्रकार से मेरे साथ पर्सनली स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन के साथ संबंध बना सकें, वो लोग वृंदावन में एंट्री कर सकें और उनके साथ में जो इंटीमेट रसों का आदान प्रदान कर सकें। तो इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कौन सी भक्ति देने के लिए, ब्रज भक्ति देने के लिए, ब्रज प्रेम देने के लिए। तो ये तो फिलोसफी हम जानते हैं, ये चीज वैकुंठ में अवेलेबल नहीं है, जो रस वैकुंठ में अवेलेबल नहीं है, जैसे सख्य रस, वात्सल्य रस और उससे भी ऊपर माधुर्य रस, ये वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ में माधुर्य रस नहीं है। अभी मत समझे कि लक्ष्मी देवी वहां पे नारायण के साथ माधुर्य रस में रहती है, नहीं, लक्ष्मी देवी वहां पे दास्य रस में सेवा करती है, वहां पे माधुर्य नहीं है, या वहां पर केवल अधिक से अधिक शांत रस और दास्य रस। लेकिन अयोध्या में थोड़ा ऊपर का रस है, अयोध्या में सब रस मिल जाते कुछ कुछ मात्रा में।
उससे भी अधिक रस मिलते हैं द्वारका में। द्वारका में भी उन रसों की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन सर्वाधिक जो माधुर रस, जो परकिया भाव, जो वो तो केवल ब्रज में मिलता है। तो उस ब्रज भक्ति को, उस ब्रज प्रेम को, और विशेष रूप से उस परकिया भाव है जहां ब्रजित्य प्रचार, उस भाव को वितरण करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। तो ये है चैतन्य महाप्रभु के आने का मेन कारण, उस अनार्पिता चरम चिरात करुणैव अवतीर्ण कलौ समर्पयितम् उन्नत उज्ज्वलम रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपूरट सुंदर द्युति कदम्ब सान्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह शचिनंदन। अनार्पिता चरम चिरात, जो बहुत लंबे समय से नहीं दिया, अनार्पित अर्पित नहीं किया, चरम चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ कलयुग में समर्पयितम् उन्नत उज्ज्वलम, उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति उन्नत उज्ज्वल, सबसे उन्नत रस कौन सा रस? जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार परकीय भावे जहां ब्रजेत्य प्रचार, उस रस को वितरण करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। रागनों का भक्ति, तीन प्रकार की भक्ति होती है, आप लोग पढ़ेंगे भक्ति रसामृत इंपॉर्टेंट बुक है नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसको जरूर पढ़िए जरूर पढ़िए जरूर पढ़िए। इसका फर्स्ट 19 चैप्टर हमारे भक्ति शास्त्री के सिलेबस का पार्ट है और ये बहुत फर्स्ट क्लास बुक है। भक्ति रसों को समझने के लिए ये बुक बहुत जरूरी है। तो भक्ति सामने सिंधु में और भी अन्य ग्रंथों में आचार्य लोग बताए हैं तीन प्रकार की भक्ति होती है, कौन कौन सी कोई बताएगा? तीन प्रकार की भक्ति, हाँ और एक हरे कृष्ण गुरु जी साधन कौन है साधन कहाँ से आवाज है गुरु जी? ओ जय जय, क्या नाम है? मोटिवेशन टू नहीं नहीं गुरु जी, ये मेरा जीमेल का जो नाम था इससे मैं ठीक है। साधन भक्ति और वैदिक रागन भक्ति? नहीं नहीं नहीं, साधन भक्ति, भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के दो प्रकार होते हैं, वैधि भक्ति और रागनुगा भक्ति। इसको समझने मुझे बहुत दिन लग गया एक्चुअली इसको नोट करके रखिए, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति और टाइप्स वैधि भक्ति, रागनुगा भक्ति। ठीक है प्रकाश, याद रहेगा जी गुरु जी? तो साधन भक्ति मतलब साधना, साधना दो तरीके से होते, वैधी और एक रागनुगा। रागनुगा भक्ति के पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, एक होता है रागात्मिका भक्ति, एक होता है रागनुगा भक्ति, ये भी नोट कर लीजिए, रागात्मिका और रागनुगा। रागात्मिक, रागात्मिका भक्ति होती है जो लिबरेटेड सोल्स होते हैं गोलोक वृंदावन में, वो जो भक्ति करते हैं स्पॉन्टेनियस, उनका जो कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं रागात्मिक। साधु संग, हाँ वही वाला प्रभु जी। क्या 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 है उसमें साधु संग? फिर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, हाँ बाद साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद ऑर्डर प्रभु जी थोड़ा फिर क्या तुम इसलिए पढ़, इसलिए बुक्स इज नॉट जस्ट मेंट फॉर रीडिंग, इट्स मेंट फॉर स्टडी। जैसे आप लोग कॉम्पिटेटिव की बुक, कॉलेज की बुक्स पढ़ाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, याद करते हैं, पढ़ने के लिए मत पढ़िए बुक्स को, याद करने के लिए पढ़ना, याद रखना पड़ेगा। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, तो इसी स्टेज में आगे चल के भाव आया है, फिर प्रेम आया है। अब भाव के लक्षण क्या है, प्रेम के लक्षण क्या है, सब नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है। शुद्ध भक्ति क्या क्या लक्षण है, पहले तो लक्षण ही नहीं पता शुद्ध भक्ति के, तो करेंगे तो बहुत दूर की बात है। एटलीस्ट इन बुक्स को बहुत
आजकल क्या है मैं देख रहा हूँ, मतलब लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा बहुत सुन लो, क्लास दे लो, पढ़ाई क्यों नहीं करना है? तो इससे बिना पढ़ाई के कोई फायदा नहीं है, अपनी पढ़ाई बढ़ानी चाहिए। तो वैधि भक्ति दो प्रकार से की जाती है, एक रागानुगा भक्ति, एक होता है वैधि भक्ति, मतलब साधना भक्ति दो प्रकार से होती है, शास्त्रों के नियम मान करके करना वो तो वैधि भक्ति होता है, लेकिन किसी रागात्मक भक्त के निर्देशन के अनुसार फॉलो करके करना उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। पर उसमें भी साधना लगती है ना, शुरू में पहले साधना करो, जो साधना होगी श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, साधना करते करते यानी भजन करते 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 अनर्थों की निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, फिर भाव उपजेगा। ये जो भाव होगा ये ब्रजवासियों के अनुगमय भाव होगा, और जो प्रेम होगा ये ब्रज प्रेम होगा। अगर वैधि भक्ति करने से भी भाव उपजता है, वैधि भक्ति कर, क्या जो भक्त हमारे संप्रदाय में नहीं है, अन्य वैष्णव संप्रदाय में, क्या उनका भगवान के भाव नहीं है? भाव है, पर उनका जो भाव है वो ऑवर रेवरेंस के साथ मिश्रित है, लेकिन जो ब्रज प्रेम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें ऑवर रेवरेंस की भावना नहीं है, उसमें स्पॉन्टेनिटी है। जैसे जो भक्त अन्य संप्रदाय में है ये वो ऐसा लक्ष्मी नारायण के भक्त है, तो क्या लक्ष्मी नारायण के तो उनका भाव नहीं है? बहुत भाव है उनके, उनके शरीर में भी रोमांच होता है, कंपन होता है, अश्रु होता है, उनके अंदर ही सारे भाव के स्टेज हैं, लेकिन वो लक्ष्मी नारायण के भक्त है, मतलब उनके अंदर जो रस है वो दास से रस की प्रधानता है, वहां पे दूसरे रस नहीं है। तो वही भक्त तो फिर रागात्मिक, हाँ तो फिर रागात्मिक और प्रेम, प्रभु जी फिर रागात्मिक और प्रेम तो सेम हो गए ना प्रभु जी, क्योंकि हमारा तो आखिरी, हाँ राग ऐसा सेम हो गया, मतलब क्या है, रागात्मिक भक्ति इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर लिबरेटेड सोल्स, इटरनली लिबरेटेड सोल, उसको रागात्मिक नाम दिया, डेफिनेशन दी गई है। देखो भाव और प्रेम भी एक ही चीज है, भाव जब करने से होता है तो प्रेम बन जाता है, कोई अलग चीज नहीं है, है ना? तो उसको इस, मतलब बात वही है, मैं बता रहा हूँ रागानुगा इज अ स्टेज ऑफ साधना, मतलब उसको साधना भक्ति लिखा गया है, वही साधना जब करते करते व्यक्ति भाव में पड़ता है, भाव ही कंडेंस होकर प्रेम होता है। तो मतलब इस, मतलब एक ही चीज की कंडेंसिंग वो बढ़ती जा रही, मतलब जो बोलते हैं उसको कंसेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, परंतु शास्त्रों को समझाने के लिए क्लासिफाई करके हमारे आचरण दिया है कि भैया साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। यही साधना भक्ति जब और कंडेंस होती, साधना बढ़ती चली जाती है, तो व्यक्ति एक समय बात है भाव भक्ति को प्राप्त करता है, प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। तीनों तो भक्ति ही है, अलग अलग जो स्टेजेस हैं, जैसे योगारूढ़ अवस्था, योगारूढ़ अवस्था, योग की स्टार्टिंग अवस्था, योग की एंड अवस्था। प्रभुपाद छठे अध्याय में बता रहे, इधर हमने नाम ही नहीं सुने होंगे, मतलब गीता ही नहीं पढ़ी होगी तो नाम क्या सुनेंगे। तो जो भी है इसलिए बुक्स पढ़ना चाहिए, और इसको वैधि और रागानुगा का, तो वैधि मतलब विधि विधान से करना, नियम मान के करना, और वही चीज मुझे स्पॉन्टेनियस, जैसे सुबह उठना है मंगल आरती करना है तो अभी अभी मतलब बाध्य होकर करना पड़ता है, कुछ लोग तो बाध्य होकर भी नहीं करते। तो सुबह उठना, मंगल आरती करना, जप करना, सुबह 4 बजे उठना अभी भी लगता है, लेकिन जब स्पॉन्टेनिटी आ जाएगी उसमें स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन आ जाएगी, उठने की स्वतः इच्छा करेगी, जप करने की स्वतः इच्छा करेगी, तो इसको कहते हैं रागानुगा। इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो मैं पहले केवल इस डेफिनेशन को जानता था, लेकिन जो अब मैं और जो प्रॉपर आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ वह है साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार की जाती है, शास्त्रों के मर्यादा में बंध करके, शास्त्रों की मर्यादा, क्योंकि शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन है इसलिए करना है। और रागानुगा भक्ति होती है किसी रागात्मिक भक्त के अनुगमन में उसको करना, किसी ब्रजवासी के अनुगमन में, उनके इंस्ट्रक्शन में करना। हम लोग क्या, कौन सी भक्ति कर रहे हैं? रागानुगा वैधि भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति या वैधि साधना भक्ति? रागानुगा साधना वैधि। क्यों? क्योंकि प्रभु जी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद जी ब्रजवासी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए रागानुगा ये है साधन, रागानुगा साधना भक्ति हम कर रहे हैं। ये हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी, तो राधा रानी को हम फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग उसके दूसरी डेफिनेशन है कि अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं विधि विधान के अनुसार कर रहे हैं, बाध्य होकर कहा इसलिए करना बोल रहे हैं। लेकिन यही भक्ति जब हम स्पॉन्टेनियस करेंगे, स्पॉन्टेनियस आएगा हमारे मन हमारा, तो वो हो जाएगा राग, वो हो जाएगा राग अनुग भक्ति, राग हो जाएगा, वो अटैचमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट, जो मना शिक्षा में जो अटैचमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर रस रस की प्रधानता, उस रस को लेकर के बात हो रही है कि हमारा जो गोल है वो है कृष्ण के साथ, जैसा रागात्मिक भक्तों का अट्रैक्शन है कृष्ण के प्रति, वैसे अट्रैक्शन को प्राप्त करना। तो उसके लिए पहले साधना करनी पड़ेगी। साधना करते 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 एक दिन एक समय आएगा जब भाव उपजेगा, प्रेम उपजेगा, और प्रेम भी और कंडेंस होता चला जाएगा, एंडलेस। फिर जाके मतलब जो साधना भक्ति है वो रागानुग भक्ति में मतलब तब्दील हो जाता है। मतलब अब अभी हमारा क्या है प्रभु जी, वो जो अटैचमेंट है वो मतलब फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोगों का मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ही गड़बड़ है, फिक्स नहीं है हम, इट्स जस्ट ऑफ डिग्री अटैचमेंट, कुछ तो अटैचमेंट है वो, लेकिन बहुत कम मात्रा में है वो। यहाँ पे वही बता रहे हैं कि वही चीज जब कंडेंस होती चली जाएगी तो उसका नाम नामकरण किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। लेकिन क्या अभी हमारे पास भाव और प्रेम का एक भी परसेंट मतलब 0.1% भी नहीं हमारे अंदर? नहीं होगा, 0.00001% शायद होगा कुछ। आप समझिए ये जैसे ये है इन द सेंस, किस सेंस में, जैसे छोटे बच्चे के अंदर क्या काम है कि नहीं है, 3 साल के बच्चे के अंदर काम है कि नहीं है, है कहाँ है मतलब अनमैनिफेस्टेड स्टेट में, बीज के अंदर पेड़ है कि नहीं है, है ब्रो अनमैनिफेस्ट। उसी तरीके से हमारे अंदर भी प्रेम है, नित्य सिद्ध पढ़ते नहीं चाहते हैं, चाहते चाहते समझ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदय। शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम तो है हर जीव के हृदय में, लेकिन क्योंकि कंटेमिनेशन अवस्था में वो कवर्ड है, घिसाई होकर के प्रकट हो जाएगा, तो है अनमैनिफेस्टेड स्टेट में, अभी छुपा हुआ है। तो छुपे हुए को निकालना ही तो प्रोसेस है, ये तो कर रहे हैं। ये लकड़ी के अंदर आग है कि नहीं है, वो क्या करना उसको, माचिस आग नहीं दे रही है, दिया सलाई जला करके आप आग नहीं दे रहे हो लकड़ी में, आग अंदर है, केवल अंदर की आग को बाहर निकाल रहे हो। क्योंकि अगर आग नहीं होती तो कैसे आग पकड़ लेता, पानी में आग नहीं है, लगाओ जितना दिया सलाई लगाना है, माचिस लगाना है, लगाओ, पकड़ेगा आग नहीं पकड़े, क्यों, उसमें आग नहीं है। या उस पानी में भी आग है पर इतनी छुपी हुई है तो इलेक्ट्रोलिसिस करके उसकी आग को निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करके फिर हाइड्रोजन जलेगा, उसका ब्लू फ्लेम देगा है उसके अंदर भी आग, पर कुछ ज्यादा छुपा हुआ है। लोहे में भी आग है पर ज्यादा छुपी हुई है, तो उसकी आग को निकालने के ज्यादा 1000 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा। जितना ज्यादा मेटल कंटेमिनेशन है उतने ज्यादा उसको रिगरस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से उसको सफाई करके उसकी अंदर से उसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो नामकरण किया गया है ये जस्ट प्रोसेस को समझने के लिए, परंतु सिद्धांत जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान सुनिएगा, विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द की पर्पसेस फॉर द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वाज टू टीच द पाथ ऑफ स्पॉन्टेनियस लव रागानुग भक्ति। महाप्रभु सेड ब्रजेरा निर्मल राग शुनि भक्त गण राग मार्गे भजे जेना छाड़ी धर्म कर्म। देन बाय हियरिंग अबाउट द प्योर लव ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ ब्रज डिवोटीज विल वर्शिप मी ऑन द पाथ ऑफ स्पॉन्टेनियस लव अबेंडनिंग ऑल रिचुअल्स ऑफ रिलीजियोसिटी एंड फ्रूटिव एक्टिविटी। समझ रहे, स्पॉन्टेनियस लव ब्रज मार्गे ये देने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए। जो मना शिक्षा है ये उसी गोल को लेकर के ओरिएंटेशन है, पूरा उसी गोल को एक्सप्लेन किया गया है। समझ आ रहा है?
रघुनाथ दास गोस्वामी इसी चीज को तो मना शिक्षा का जो हम पढ़ेंगे इसका जो भाष्य है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा कमेंट्री लिखी गई है। इस कमेंट्री का नाम है भजन दर्पण। दर्पण मतलब मिरर, मिरर मतलब आप चेहरा देख सकते हैं, यानी आपकी भजन क्या स्टैंडर्ड है आपके भजन का वो आपको दिख जाएगा भजन दर्पण नामक इस कमेंट्री में। ठीक है, और सबसे सुंदर बात है भक्तिविनोद ठाकुर ने हर 11 इंस्ट्रक्शंस के लिए एक एक गीत लिखा है ताकि इसको आप गा सके समझ सके। गीत गीत के रूप में कोई भी संस्कृत के टेक्स्ट को देना एक बहुत एक सुंदर कला होगा। जैसे जैसे रामायण, तो रामायण नहीं सुन सकते, रामायण लोग संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो उसको गीतावली के रूप में आप देखिए रामचरितमानस अवधि में मिल जाती है। दक्षिण भारत में कितनी भाषाओं में, उड़ीसा में भी सब गीत के रूप में लोग गाते हैं, भागवतम गीत के रूप में लोग गाते हैं, चैतन्य चेतामृत गीत के रूप में लिखा गया है ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके, पढ़ सके, गा सके, अप्रिशिएट कर सके। तो भक्तिविनोद ठाकुर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भजन दर्पण के रूप में, जहां पे उन्होंने गीत के रूप में इन इंस्ट्रक्शंस को प्रस्तुत किया है ताकि हम उसको बहुत इजीली समझ सकें। मैं वो इंट्रोडक्टरी सॉन्ग उन्होंने लिखा है, श्री श्री गुरु चरणेभ्यो नमः, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरणेभ्यो नमः। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, ब्रज धाम नित्य धाना, इसका इसका मीटर कैसे है, एक्चुअली सही मीटर पकड़ लेंगे तो गा पाएंगे। ब्रज धाम नित्य धन राधा कृष्ण दुई जन, लीला बेशे एक तनु हैया, धाम सह गौड़ देशे प्रकट होइलो एशे, निज नित्य पार्षद लैया। बोल रहे हैं ब्रज धाम नित्य धन राधा कृष्ण दुई जन, लीला आवेशे एक तनु होइया, लीला आवेशे एक तनु होइया, द इटर्नल ट्रेजर ऑफ ब्रज श्री राधा एंड कृष्ण एब्जॉर्ब इन देयर प्ले मेल्डेड इनटू वन बॉडी एंड मैनिफेस्टेड इन धाम सह गौड़ देशे प्रकट होइलो ऐसे निज नित्य परिषद लैया। बोल रहे हैं The eternal treasure of Braja, Shishi Radha and Krishna, absorbed in their play, melded into one body, manifested in Bengal, along with their timeless abode and their entourage of eternal associates. जो ब्रज धाम का नित्य धन है राधा कृष्ण दो जन, लीला आवेश एक तन हुए, लीला के लिए एक तन हुए, एक शरीर में अवतरित हुए हैं, अकेले अवतरित नहीं हुए हैं। धाम सह गौड़ देशे प्रकट हईलो ऐसे, यहाँ पे प्रकट हुए हैं अपने धाम को लेकर के, साथ में निज नित्य पार्षद लैया और अपने नित्य पार्षदों को लेकर के अवतरित हुए हैं। ओ मन तुम्ही सत्य बोली जान, ये थ्री लाइन्स का प्रेयर में मतलब ये इसको मैं अभी किसी से पूछूंगा इसको कैसे गाते हैं। नवदीपे गौरा हरि नाम संकीर्तन करे, प्रेमामृत गौड़ कैलो दान, मन तुम्ही सत्य बलि जान, नवदीपे गौर हरि नाम संकीर्तन करी, प्रेमामृत गौड़ कैलो दान। तो नवदीप में गौर हरि क्या कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं और इस प्रेमामृत को दान कर रहे हैं। ओ हार्ट नो इट टू बी ट्रू बाय परफॉर्मिंग कांग्रीगेशन चैंटिंग ऑफ द होली नेम नाम संकीर्तन इन नवदीप, गौरहरी गेव द इमॉर्टल नेक्टर ऑफ सेक्रेट लव टू बंगाल। बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं, नाम संकीर्तन के माध्यम से बांट रहे हैं। सन्यासे रचल करी नीला चले सही हरी, श्री कृष्ण चैतन्य यतीश्वर, दामोदर रामानंद लय करी परानंद, गुण तत्व जनाए विस्तार।
सन्यासेरा छल करी नीला चले सही हरी। वही हरी भगवान कृष्ण हरी सन्यास किसी के रूप में छल करके रह रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य यतीश्वर, यतीश्वर मतलब यति कहते हैं सन्यासी को, ईश्वर मतलब उनके स्वामी, सभी सन्यासियों के स्वामी यतीश्वर श्री कृष्ण चैतन्य। सन्यासेरा छल करी नीला चले सही हरी श्री कृष्ण चैतन्य यतीश्वर। किसके साथ रह रहे? दामोदर रामानंद लय करी परानंद गुण तत्व जाना है विस्तार। तो किस किसके साथ रह रहे? स्वरूप दामोदर रामानंद सरदार के साथ रह रहे हैं और एक्सप्लोरिंग डीप एंड इंटीमेट मिस्ट्रीज ऑफ लॉर्ड कृष्णास लव। गुण तत्व जाना है विस्तार, गुण तत्व का विषय में चर्चा चल रही है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं। द सेम हरी बिकेम द बेस्ट अमंग द वेंडरिंग एसेटिक्स श्री कृष्ण चैतन्य हु लिव्ड इन नीलाचल इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग अ सन्यासी एंजॉयिंग अनसरपास्ड ब्लिस विद स्वरूप दामोदर एंड रामानंद राय एक्सप्लोरिंग डीप एंड इंटीमेट मिस्ट्रीज ऑफ कृष्णास लव। रघुनाथे सही तत्व सिखाए परमार्थ पठाइला श्री रूपे रकाचे श्रीदास गोस्वामी ब्रजे रूप सह कृष्ण भजे मन शिख श्लोक लिखाए छे। मन शिख श्लोक लिखिया चे। बोल रहे हैं रघुनाथे सही तत्व सिखाइया परमार्थ पठाइला श्री रूप काचे। टीचिंग दी स्पिरिचुअल ट्रुथ चैतन्य महाप्रभु सेंट रघुनाथ दास गोस्वामी टू रूप इन ब्रज। यही जो जिस तत्व गुण तत्व का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु किसके साथ में? स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ में। वही चीज किसको सिखा दी? रघुनाथ दास गोस्वामी को सिखा के कहां भेज दिया? वृंदावन भेज दिया रूप गोस्वामी के पास। और फिर श्रीदास गोस्वामी ब्रजे रूप सह कृष्ण भजे। रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में रूप और सनातन के साथ में भजन कर रहे कृष्ण का और मना शिक्षा श्लोक लिखिया थे। और फिर उन्होंने इस मना शिक्षा श्लोकों को लिखा। क्या लिखा है इसमें? वही लिखा है जो उन्होंने सीखा। किससे सीखा? चैतन्य महाप्रभु से सीखा। क्या सीखा? जो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय बैठ करके चर्चा करते थे। कहाँ चर्चा करते थे? पूरी में चर्चा करते थे, नीलाचल में। ठीक है, आगे बोल रहे हैं। तहारा दासेरा दास हई ते जर बड़ास ए भक्ति विनोदा किंचन मना शिक्षा भाष गाए यथा शुद्ध भक्त पाए दया करी करे न श्रवण। तहारा दासेरा दास उनके दासों के दास हई ते जर बड़ास उनकी बड़ी आशा है। ए भक्ति विनोद अकिंचन अकिंचन भक्ति विनोद की आशा है। क्या आशा है? कि मैं गा रहा हूं मना शिक्षा का भाष्य यथा शुद्ध भक्ति पाए, कब कृपा करें कि मुझे शुद्ध भक्ति मिले, दया करी करे न श्रवण। आपसे दया करके भक्ति ठाकुर बोले कृपया करके प्लीज आप सैटरडे शाम की 7 बजे क्लास में आइए और मैंने जो लिखा है मना शिक्षा प्लीज आप इसको सुनिए, दया करी मेरे ऊपर दया करके थोड़ा श्रवण करिए। तो कम से कम आप तो कर लोगों के ऊपर दया करके भले ही मत आइए क्लास में, कम से कम भक्ति ठाकुर के ऊपर दया करके क्लास में आइए और इस मना शिक्षा को सुनिए। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो अगली बार हम सुनेंगे मना शिक्षा में ऐसे क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जिसको यहाँ पे लिखा है कि कोई व्यक्ति वन हु स्ट्राइव्स टू अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग्स कंप्लीटली ऑब्टेन द इनकम्पेरेबल ज्वेल ऑफ वर्शिपिंग श्री राधा कृष्णा इन द फॉरेस्ट ऑफ गोकुल। कोई व्यक्ति इसको समझे ऐसा नहीं है, समझने के लिए स्ट्राइव करे, प्रयास मात्र करे इन 11 इंस्ट्रक्शंस को, तो वो ब्रज प्रेम को पा जाएगा। समझे ये कोई जरूरी नहीं है, समझने के लिए स्ट्राइव करे। क्लास ही में नहीं आएंगे तो स्ट्राइव क्या करेंगे? कम से कम क्लास में प्रयास मात्र करेगा वो समझ जाएगा। तो इसी बुक में सचिनंदन महाराज की कॉमेंट्री है, भक्ति विज्ञान महाराज की कॉमेंट्री है, शिवराम महाराज की कॉमेंट्री है, उर्मिला माता जी की कमेंट्री है। इस करके बहुत बहुत सारे गूढ़ रहस्य हमको सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग खुद भी आए और दूसरों को भी थोड़ा सा बताएं कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हुआ है।
जिसको हम लोग प्रत्येक शनिवार को सुनेंगे, तो वो भी इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। तहार दासेर दास होइते जार बड़ा आस, ए भक्ति विनोद किंचना, मना शिक्षा भाष गाय जथा शुद्ध भक्त पाए, दया करी करे न श्रवण, दया करी करे न श्रवण। हरे कृष्णा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय, श्री रूपनाथ की जय। एक और बुक आई है मेरे पास, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, स्तवमाला। ये श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए, इसमें बहुत सुंदर सुंदर गीतों का संचय है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी इस तरह का ग्रंथ लिखा है। मैं पढ़ रहा था कल, हम लोग बेस में पढ़ रहे थे वृंदावन अष्टकम, ये लिखा है विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने। उस किताब का नाम है स्तवामृत लहरी, जिसके अंदर सारे अष्टक है, गुरु अष्टक, वृंदावन अष्टक, राधा कुंड अष्टक, गोवर्धन अष्टक, महाप्रभु अष्टक, बहुत सारे अष्टक ही अष्टक है भर के। तो ये जो ऐप बनाया है आईआईटी चेन्नई के डिवोटीज ने, जो मैं आप लोग को शेयर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप, बहुत रिच ऐप है, कृपया करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बहुत दिन पहले आप लोग को भेजा था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट उन लोगों ने उसमें डाला है, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जिसने भी वेदाबेस बनाया है, वो तो कोई भगवतधाम जाए ना जाए, वो जरूर भगवतधाम जाएगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। जिसने भी जो ये ऐप बना रहे हैं, उनको शुद्ध भक्ति जरूर मिलेगी। कितने भक्तों का उनका मतलब आशीर्वाद मिल रहा होगा, कितना सरल कर दिया। जिन किताबों का, जिन गीतों का नाम ही नहीं पता चल रहा था, वो उनके कारण पता चल रहा है। वास्तव में जिन्होंने भी ये किया है, हम भगवान से एटलीस्ट उनके लिए तो हृदय से क्या कहते हैं पुकार निकलती है कि भगवान इनने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो वैष्णवों के समाज में अगर हम इस तरह कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाए तो कितना अच्छा होगा वैष्णवों के लिए। भगवान ने गीता में एक्चुअली क्या कहा है कि जो इस गूढ़ ज्ञान को भक्तों को सुनाता है उसकी शुद्ध भक्ति गारंटेड है। तो प्रभुपाद जी ने उसको एक्स्ट्रापोलेट करके बोले, नहीं भक्त मतलब दयालु होता है तो सबको देता है, लेकिन एग्जैक्टली भगवान ने कहा भक्तों के लिए। वो तो प्रभुपाद जी की दया इतनी ज्यादा है कि प्रभुपाद जी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया उसको, सबके लिए कर दिया, लेकिन तो भगवान ने भी एग्जैक्टली कहा था जिस ज्ञान को भक्तों को देता है। तो जिसने भी वेदाव्यास ऐप बनाया होगा, जिसने भी ये जो नए नए वैष्णव सॉन्ग ऐप बनाए हैं, वास्तव में उन्होंने भक्तों के लिए कितना उपकार कर दिया है। ये तो यह 9,000 रुपए की किताब है, 900 रुपए की किताब, बताइए। और वो केके सॉन्ग ऐप, मतलब केके सॉन्ग वाला जो वेबसाइट है, कितना उन लोगों ने महान कार्य कर दिया कि लोगों को तुरंत गीत मिल जाते हैं। तो वास्तव में और कुछ 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 लोग क्या कर रहे हैं, वो गीत गा गा के बजा बजा करके एटलीस्ट दे रहे हैं, ताकि उनको देख देख के कोई सुन ले और बजाना सीख जाए एटलीस्ट। वो लोग भी बहुत महान कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कुछ करने के लिए। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हमको अच्छा सिंगर मिल जाए, तो हमें जितने गीत हैं, ऐसा कोई खास कोई एल्बम नहीं जिसमें सारे गीतों को संचय हो। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ धुन हमको पकड़ में नहीं आती, तो कोई अगर गा देगा इसको, मैं देखता हूँ कोई अगर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे शरणागति है, तो शरणागति के अंदर जितने 10 चैप्टर से कम से हर चैप्टर के 2-4 गीत दें, तो सारे गीतों से अगर ऐसे बड़ा एल्बम बना दे कोई, तो देखते कोई करे तो अच्छा है। तो इस तरह भक्तों के लिए सुविधा हो जाएगी। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की।